क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे थे क्यों? अच्छा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शायद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई थी पिछले लेक्चर में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई थी, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोमर्स। और बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम नीट का, आईआईटी का, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में क्वेश्चन पक्का आता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पे क्वेश्चन 100% आता है, मोस्टली केसेस में आता है। अच्छा, क्या है आइसोमर्स? आइसोमर तो आप जानते ही होंगे, सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फलाना ढिकाना आर कॉल्ड आइसोमर। मतलब कि जिनके फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो। एज एग्ज़ाम्पल, जैसे ये ए डी है, इसको तुम ऐसे करके लिख दो डी है, तो दोनों के फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। जब फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंस डिफरेंस हो, देन दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमर। इसको आइसोमर बोलते हैं, दोनों को एक दूसरे को आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। मतलब आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, सेम फार्मूला, फार्मूला कैसा हो, सेम हो, सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी हो, अलग अलग हो। फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और इस फिनोमेना को आइसोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर में भी इस टर्म का मतलब बताया था। ठीक, अच्छा, ये दो तरीके की होती है आइसोमर्स, दो तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा आपका होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर भी आपके होते तो तमाम तरीके के हैं, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चार तरीके के हैं। एक आयनिक आइसोमर, दूसरा सॉल्वेंट आइसोमर, या इसी को बोल देते हैं हाइड्रेशन आइसोमर। क्या बोल देते हैं, अब उसके एरिया में आने लगे, हाइड्रेशन आइसोमर। और तीसरा आपका है लिंकेज आइसोमर। क्या है? लिंकेज आइसोमर। और चौथा आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और होते लिगांड आइसोमर, फलाना ढिकाना, बात अलग है। तो आयनिक आइसोमर, सॉल्वेंट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर और कोऑर्डिनेशन आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा आपका ऑप्टिकल आइसोमर। दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमर, इसको नोट करो एक सेकंड में। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? हैं? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, आयनिक आइसोमर, सॉल्वेंट, लिंकेज। और लिंकेज है सिलेबस में, लिगांड है। चलो देखते हैं लिंकेज आइसोमर या लिगांड आइसोमर कौन सी है। ठीक है, जो होगी वही पढ़ाएंगे, लिंकेज होगी लिंकेज पढ़ाएंगे, लिगांड होगी लिगांड पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो देखो बेटा, क्या
चलो बेटा देखें हम, तो नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे आप लोग स्ट्रक्चर आइसोमरिज में आयनिक आइसोमर या फिर आयनाइजेशन आइसोमर जो भी बोल दो। इसमें क्या होता है कि जो आयनिक लिगेंड होते हैं, जो आयनिक लिगेंड होते हैं, आयनिक लिगेंड का कोऑर्डिनेशन स्पेयर से एक्सचेंज हो जाता है। जब आयनिक लिगेंड का कोऑर्डिनेशन स्पेयर से एक्सचेंज हो जाए तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आयनिक आइसोमर। लाइक आपको दे दिया गया है CO NH3 का होल 5 Cl और ये Br2। ये है Cl एक आयनिक लिगांड है, Br भी एक आयनिक लिगांड है। ये आपस में क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें CO NH3 का होल 5 Cl की जगह कौन आ गया Br, और ये Cl चला गया और ये Br चला गया। तो जब आयनिक लिगांड का एक्सचेंज होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, आयनाइजेशन आइसोमर। जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आयनिक लिगांड का एक्सचेंज होता है, एक और एग्जांपल देख लो CO NH3 का होल 5 CO NH3 का होल 5 ये आपका Br है और ये आपका SO4 है। तो Br भी आपका आयनिक लिगांड है और SO4 भी आयनिक लिगांड है, तो इसका आपस में क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है CONH3 का होल 5 ये SO4 अंदर आ गया और Br कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। तो जब बेटा आयनिक लिगांड का एक्सचेंज होता है देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक। एक हो गया आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा आपका है हाइड्रेशन आइसोमर। कौन सा है इसको नोट कर लो, हाइड्रेशन आइसोमर। दूसरा है हाइड्रेशन आइसोमर या इसी का दूसरा नाम है सॉल्वेंट आइसोमर। हाइड्रेशन आइसोमर या फिर सॉल्वेंट आइसोमर। हाइड्रेशन शब्द का मतलब पता है, पानी। क्या है, पानी। जब वाटर वाले लिगेंड का एक्सचेंज हो, किसका, वाटर वाले लिगेंड का जब एक्सचेंज हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमर। देखो ध्यान से, CO NH3 का होल 5 H2O और दिस इज Cl3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर एक वाटर एक लिगांड है, ये वाटर लिगांड आपका बाहर निकल जाएगा CO NH3 का होल 5 Cl और H2O और ये Cl2। चाहे ऐसे करके लोगों बेस्ट माना जाता है Cl2.H2, ठीक है। तो ये आपके एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, हाइड्रेशन आइसोमर हो गए। तो जब वाटर वाले लिगांड का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के साथ देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड हाइड्रेशन आइसोमर। थर्ड नंबर है लिंकेज आइसोमर। किसी को कोई दिक्कत, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं, सबसे नंबर कंडीशन नंबर फर्स्ट है लिंकेज आइसोमर के लिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट है क्या, मस्ट बी प्रेजेंट एन एम्बीडेंटेड लिगांड, कम से कम एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर एक एम्बीडेंटेड लिगांड होना चाहिए। और मैंने आपको एम्बीडेंटेड लिगांड के बारे में बताया था, एम्बीडेंटेड लिगांड वो लिगांड होते हैं जिसमें दो डोनर एटम होते हैं लेकिन एक बार में एक ही देता है,
एग्जाम्पल बताया, जैसे सी एन एन ओ टू एन सी एस माइनस या एन सी एस माइनस और सी एन ओ माइनस, इन सब में दो डोनर एटम होते हैं बट एक टाइम में केवल एक ही देता है, देन दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड लिंकेज, सॉरी एम्पीलेटेड लिगांड का होना सबसे मस्ट है। अगर लिंकेज आइसोमर शो कर रहा है तो उसमें एक एम्पीलेटेड लिगांड मस्ट होगा, तभी वो लिंकेज आइसोमर शो करेगा। होता क्या लिंकेज आइसोमर में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव सी एन सी एल ए टू, ये एक कंपाउंड है। और इस कंपाउंड का अगर डोनर एटम चेंज हो जाए, जैसे इसका डोनर एटम अभी कार्बन है और सॉरी नाइट्रोजन है, कार्बन है, अगर इसका डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाए, जब एम्पीडेंटेड लिगांड का डोनर एटम चेंज कर दिया जाए, जैसे एक बार में नाइट्रोजन दे रहा है, एक एग्जांपल और नीचे लिखे ले रहे हैं, एफ ई एस टू का होल फाइव एन ओ टू और यहाँ पे एस ओ फोर, अभी नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो इसका डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया, इसमें कार्बन दे रहा था, इसका डोनर एटम कार्बन था, दोनों में जरा देखो एम्पीडेंटेड लिगांड है, अगर इन एम्बीडेंटेड लिगांड के डोनर एटम चेंज कर दिए जाएं, क्या चेंज कर दिए जाएं, डोनर एटम सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव एन सी एन सी एल ए टू, इसका डोनर एटम चेंज कर दो एफ ई एच टू ओ का होल फाइव ओ एन ओ एस ओ फोर, अब इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, तो जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मस्ट बी प्रेजेंट एम्पीडेंटेड लिगांड, एक एम्पीडेंटेड लिगांड प्रेजेंट होना चाहिए, और ये सबसे इजी आइसोमर होती है, आपने एम्पीडेंटेड लिगांड पहचान लिया कुछ नहीं, उसके बाद इसका डोनर एटम चेंज कर दो, आपका आ जाएगा लिंकेज आइसोमर, कोई दिक्कत, ठीक है। नंबर फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, नोट कर लिया, देखो आगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत हो पूछो, बता देंगे अभी हाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, चलिए फोर्थ नंबर है कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है, ध्यान सुनो, पहली बात इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, कितने कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, ठीक है, और दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, अच्छा कुछ नहीं है, बहुत ध्यान सुनना, जैसे मैं एक सीधा एग्जांपल ले लूं, सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स सी आर सी एल का होल सिक्स, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं और दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो लिगेंड हैं वो आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिगेंड आपस में क्या किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं, तब जो आपका आइसोमर होता है उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। जैसे इसका एक हम तुम्हें अगर बना के दिखाएं तो सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव सी एल, यहाँ एक सी एल ले आए, सी आर सी एल का होल फाइव एन एस थ्री, यहाँ एक एन एस थ्री ले गए, तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गए। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं और दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में लिगेंड की आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है, ठीक, ऐसे हम एक्सचेंज करते जाएंगे, एक कंडीशन ये आएगी कि 6Cl यहाँ आ जाएंगे और 6 अमोनिया यहाँ आ जाएंगे, मतलब लास्ट कंडीशन इज दिस, सी ओ सी एल का होल सिक्स और सी आर एन एस थ्री का होल सिक्स,
हो जाएगा। पहले एक आया, इसका एक गया, दो आए, दो गए, तीन आए, तीन गए, चार आए, चार गए, पांच आए, पांच गए, छह आए, छह गए, छह आए, मतलब यहाँ पे छह सीएल हो गए और छह अमोनिया हो गए। आप ये बता दोगे, मतलब ये एक दूसरे के, अगर बात करो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में आपके लिगेंड क्या हुए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, ठीक है, क्या ये गलत है, ये चीज़ गलत है। मैं सिर्फ डायरेक्ट इसका इससे रिलेशन से बात कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है कि ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। सर अभी आप कह रहे थे कि अगर लिगांड आपस में एक्सचेंज कर दो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तो वो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाता है, अभी आप कह रहे गलत है। यस, क्या गलती है, मैं इसको पूरा साफ कर रहा हूँ, फिर बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। देखो अच्छा, पहले इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये 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 एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं, ये हैं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं, बट ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये गलत है, ये लिखा गलत है। देखो कैसे गलत लिखा है, बता रहे, देखो भाई मैंने एग्जांपल दिया था CO NH3 का होल 6 CR CL का होल 6, और मैंने इसका जस्ट बनाया था, क्या ये बनाया था CO CL का होल 6 और CR NH3 का होल 6, ठीक है, और मैंने कह दिया गलत है। क्या गलती है, अच्छा अगर तुम इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या करोगे, यहाँ फिर से लेके आ रहे इसको, क्या CO NH3 का होल 6 और CR CL का होल 6, ठीक। अगर इसको तुम तोड़ोगे, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, एक बात पक्की है, इस तरफ जो भी चार्ज आएगा वो होगा तो पॉजिटिव ही, और इस तरफ जो भी चार्ज आएगा वो होगा तो नेगेटिव ही। इस तरफ का चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड कौन लिखा जाता है, पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड कौन लिखा जाता है, नेगेटिव। बात समझ गए, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सर कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, यस सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मोस्ट ऑफ केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सभी में नहीं, मैं बता दूंगा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ नहीं होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक अलग मैटर है। चलो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 निकाला, यहाँ 6 × 0 निकाला, बराबर किसके आएगा, प्लस एक्स के, एक्स बराबर प्लस का 3 आ गया, वेरी गुड। यहाँ कितना है, माइनस का भाई, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, प्लस का 3, मेटल है ऑलवेज पॉजिटिव ही जाएगा इसलिए प्लस का 3, और 6 × −1, माइनस का 6 प्लस का 3, बाई बराबर माइनस का 3 आ गया, ठीक। अरे यार ये मैंने x और y लिए, यहाँ पे बराबर y रखा, ये बराबर x रखा, ये x बराबर प्लस 3 आया, ये y बराबर माइनस 3 आ गया, ठीक। चलो इस पे देखो, अच्छा इस पे निकालो, सर इसको ब्रेक करोगे जब तो यहाँ पे कितना लोगे, सर x कोबाल्ट पे प्लस का 3, Cl 6 × −1, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना होता है, माइनस का 3, ये तो x बराबर माइनस का 3 आ गया, जबकि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव निकल रही। और यहाँ देखना इस पे, इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में इसका टोटल कितना हुआ, बाई CR पे प्लस का 3, 6 × 0, बाई बराबर कितना आ गया, प्लस का 3। अल्लू ये क्या हो गया सर, व्हाट हैपनिंग कि सर आप कह रहे हो कि हमेशा इधर पॉजिटिव लिखा जाता है, इधर नेगेटिव लिखा जाता है, हम आपकी बात मान रहे, लेकिन आपने अभी बोला कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उनको आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, लिगेंड को आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा सर ठीक, तो मैंने सर एक्सचेंज कर दिए, फिर गलत क्यों है, गलत आ गया है तो सही कैसे होगा, सही का तरीका क्या है भाई, गलत ये आया ना, ये चीज़ गलत आई,
तो इसको तुम जो तुमने उधर प्लस आ रहा है इधर माइनस आ रहा है उसको घुमा के लिख दो, घुमा के लिख दो ना, ऐसे करके लिख दो सी आर एन एस थ्री का होल सिक्स और सी ओ सी एल का होल सिक्स। बोलो घुमा के लिख दिया मैंने, घुमा के लिख दिया, कमियां दूर हो गई, समझ गए। अब ये सही है, ये चीज क्या है, सही है। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं सर व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, आई कैन अंडरस्टैंड। इसको नोट करो, आई समझाएं कुछ अंडरस्टैंड। चलिए देखो भाई देखो देखो कुछ खास बताओ, कुछ खास बताओ तो जाने। वही एग्जाम्पल सी ओ एन एच थ्री का होल सिक्स सी आर सी एल का होल सिक्स। तो अभी मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपस में लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। लिगेंड एक्सचेंज करोगे अगर तुमने लास्ट में गए छह एक्सचेंज कर दिए और तुमने कह दिया ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है इसका, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके लिए सही आंसर के लिए उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब मेरी जुगाड़ सुनो, ना घुमाओ ना टुमाओ, कुछ नहीं करो, बस आपस में सेंट्रल मेटल चेंज कर दो, क्या कर दो, सेंट्रल मेटल चेंज कर दो, क्या कर दो, यहाँ सी आर लिख दो। लेकिन डेफिनेशन में ये मत लिख देना कि सर ने कहा था सेंट्रल मेटल चेंज कर दो, सेंट्रल मेटल नहीं होते तो लिगेंड ही एक्सचेंज है। तुम बोलो उससे कि टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में जब लिगेंड एक्सचेंज होते हैं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है, बस लास्ट वाला जो छठवां ऑल ओवर वाला उसमें बुद्धि दौड़ा दो अपनी, क्या करो तुम लिगेंड नहीं सेंट्रल मेटल चेंज कर दो। देखो हो गया सेटलमेंट, देख लो भाई। अबे यार यहाँ एक्स मानोगे, इस पे एक्स प्लस थ्री सिक्स इंटू जीरो एक्स बराबर प्लस थ्री आ गया, जब ये प्लस थ्री आ गया डेफिनेटली ये माइनस थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गए। तो स्ट्रक्चर आइसोमर के चार टाइप थे, कौन कौन से, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। अब मैं आपको चार एग्जांपल कराऊंगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा आइसोमर है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ईजी एग्जाम्पल हैं, फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स के एक स्पेशल लेक्चर रखेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है कहीं ना कहीं, तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा जब, ठीक। चलिए देखो, अच्छा ये आपको बताना है कौन सा आइसोमर है, सी आर एच टू ओ का होल फोर सी एल ए टू बी आर सी आर एच टू का होल थ्राइस सी एल ए टू बी आर एच टू ओ, कौन सा आइसोमर इसमें, ये लिंकेज है, सॉरी आयनाइजेशन है कि हाइड्रेशन है। देखो बेटा इस केस में आप क्या करोगे, एक्चुअली बी आर अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो कहीं ना कहीं एच टू ओ भी तो बाहर जा रहा है, तो आयनाइजेशन भी हो सकता है और हाइड्रेशन भी हो सकता है, लेकिन आयनाइजेशन भी हो सकता है और हाइड्रेशन भी हो सकता है, लेकिन आप प्रेफरेंस किसको दोगे, प्रेफरेंस आप हाइड्रेशन को देना, क्योंकि वाटर वाला लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर को बाहर निकल रहा छोड़ के, समझे, प्रेफरेंस आप हाइड्रेशन को देना। बट ये आपके इसमें वो भी एक्सचेंज हो रहा है, आयनिक लिगेंड भी एक्सचेंज हो रहा है और वाटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये दोनों शो करेगा, आयनिक भी और हाइड्रेशन भी, समझ गए। एक एग्जांपल और देखो, सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव सी एल सी एल कुछ भी ले लो, कुछ भी क्या ले लो, सी एल ए टू ही ले लो, ठीक है। तो सी ओ एन एस थ्री का होल फाइव, नहीं सॉरी, हाँ सी एल ए टू ले लो, ये सी एल एक बाहर आ गया और एक सी एल ए टू अंदर चला गया, ये कौन से आइसोमर होंगे, सर इसमें कोई आइसोमर नहीं होगा, इसमें कोई आइसोमर नहीं होगा। बट अगर कहीं उसने धोखे से यहाँ लिख दिया दिस इज,
35 वाला Cl और यहाँ लिख दिया 37 वाला Cl, खेल हो जाएगा। ये क्लोरीन का आइसोटोप 35 है, ये क्लोरीन का आइसोटोप 37 है, और फिर यहाँ लिख दिया दिस इज 35 और दिस इज 37, पूरा रायता फैल गया। तो ये आपके आयनिक लिगांड एक्सचेंज हुए हैं, आयनिक लिगांड एक्सचेंज हुए तो कौन से आइसोमर हो गए? आयनाइजेशन आइसोमर हो गए। बात समझ रहे हो? ठीक, वेरी गुड। एक एग्जांपल और देखो इसी बात पे, सी आर एच टू का होल 5 एस सी एन सी एल ए टू सी आर एच टू का होल 5 एन सी एस सी एल ए टू कौन से आइसोमर है? सर दिख गया, कौन सा लिगैंड? एम्बिडेंटेंट लिगैंड, एम्बिडेंटेंट लिगैंड। इसका डोनर एटम सल्फर, इसका डोनर एटम नाइट्रोजन, और जब डोनर एटम आपस में एक्सचेंज हो जाएं तो कौन से आइसोमर होते हैं? एम्बिडेंटेंट आइसोमर। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, नोट करो, नोट करो, नोट करो, आगे देखो। पी टी एन एस थ्री का होल 4 जेड एन सी एल 4। चलो बताओ, पी टी सी एल का होल 4 जेड एन एन एस थ्री का होल 4, दोनों एक दूसरे कैसे आइसोमर हैं? हैं? दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखे नहीं, आंसर मुंह से उठा के मार दिया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर नेवर। दोनों एक दूसरे के कोई आइसोमर नहीं है, गलत लिखा ये, क्या लिखा है? गलत लिखा है। मैंने क्या बताया था? पहले आपस में इन्होंने लिगेंड तो एक्सचेंज कर दिए भैया, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में लिगेंड एक्सचेंज हो गए, बिल्कुल सही बात है, चारों अमोनिया वहाँ पटक दिए, चारों सीएल यहाँ पटक दिए, बट लेकिन इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्पेयर को नहीं घुमाया है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर को भी घुमाते हैं, या फिर अपनी जुगाड़ क्या कहती है? अपनी जुगाड़ कहती है केवल सेंट्रल मेटल चेंज कर दो, आंसर अपने आप सेट हो जाता है। जेड एन एन एस थ्री का होल 4 जेड एन एन एस थ्री का होल 4 पी डी सी एल 4, तो आपस में क्या एक्सचेंज हो गए? सेंट्रल मेटल चेंज करके हमारा काम चल जाता है, तो दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर हो गए? कोऑर्डिनेशन स्पेयर आइसोमर। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर चलेंगे तीनों लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, ओके, गुड नाइट, थैंक यू, कल मिलते हैं।